गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। सो आज का जो व्लॉग होने वाला है, इट्स गोना बी घूमने वाला व्लॉग, क्योंकि मैं और मेरा भाई जा रहे हैं, एक्चुअली मेरे भैया, मेरे मामू के बेटे, उनके साथ मैं जा रही हूँ घूमने रनसार वैली को। रनसार वैली आती है जोहारा वैली में। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं रोडू से हूँ, तो रोडू एक तहसील है और उस तहसील में काफ़ी सारी वैलीज आती है। सो उनमें से एक वैली है जोहारा वैली, जो सबसे बड़ी वैली है, और उसी के अंदर है एक छोटी सी वैली, एक्चुअली छोटी नहीं है, बड़ी वैली है, रनसार वैली। सो हम उसमें जा रहे हैं। मैं जोहारा वैली काफ़ी बार गई हूँ, बट मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। तो मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि चलो वहाँ पर जाते हैं, एक बार देखते हैं कि वो वैली कैसी है, और आपको भी दिखाते हैं कि वो वैली आपको कैसी लगती है। सो अभी तो मैं वेट कर रही हूँ अपने भाई का, क्योंकि वो कुछ सामान लेने गए हैं। पता नहीं कितना उन्हें टाइम लगेगा। आई एम स्टिल वेटिंग, सो आई कैच यू लेटर। मेरे लिए भैया पहुँच चुके हैं एंड मीट माई ब्रदर मिस्टर लल जुगटा। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लिया और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी यहाँ पर, बट नाउ वी आर गोइंग। सो गाइज, अभी हम रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वी वॉन्ट टू ट्राई बर्गर, भैया वाला बर्गर, क्योंकि इन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने सोचा, आप भी देख लो, कि हम भी इसे ट्राई कर लेते हैं। तो अभी मैं खाती हूँ इसे। अभी पहुँचे हम बडियारा में, जो आता है रोडू के बाद। उसके बाद एक रोड जाएगा रनसार वैली के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगी वो रोड कौन सा है। अगर आप कभी रनसार वैली विज़िट करना चाहें तो आप उस रोड से जा सकते हैं। तो ये है बडियारा, और यहाँ से ऊपर वाले रोड में जाना है हमें। ये वाला रोड है ऊपर वाला। यार पीछे क्या वैली है, इसको भी मैं ना, इस वीडियो को मैं यहाँ से एडिट करूंगी। हम पहुंच चुके हैं देवीधार। इस गांव का नाम है देवीधार। ये कितना खूबसूरत गांव है। बस जा रहे हैं, और यहाँ सामने ही मुझे एक प्यारा सा गांव दिख रहा है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ रनसार वैली, क्योंकि मुझे ज़्यादा गांव के बारे में यहाँ पे पता नहीं है कि कौन कौन से गांव होते हैं यहाँ पे। बट मेरे पीछे ही नीचे को एक बहुत सुंदर सी
सुंदर सा गांव है, तो चलिए आप इस गांव को भी देख लीजिए। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मुझे नज़र आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी थोड़ा शेयर किया जाए। और मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी सुंदर वैली है, तो आप भी देख लीजिए। सो ये वो गाँव, ये कितना सुंदर गाँव है। और यहीं सामने ही एक और गाँव है, आई डोंट नो आपको ये दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये काफ़ी सुंदर गांव है यहाँ से। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, और जो पहाड़ हमें लास्ट में नज़र आ रहा था वो अब हमें बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है। और ये शायद से मुराल डंडा हिल्स है आई थिंक, मुझे ज़्यादा पता नहीं है बट बोलते यही है। और इस गांव को आप एक बार फिर देख लीजिए, कितना सुंदर गाँव है। और यहाँ आगे से पूरी वैली नज़र आ रही है। हम कितना पीछे आ गए हैं, हम यहाँ पीछे से आई थिंक हम यहाँ से आगे से आए थे, और हम कितना पीछे आ चुके हैं। फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं अपने घर पे, और आप मेरी हालत देख सकते हैं कितनी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं अभी गई थी अपने मामू के रूम पे और उसके बाद मैं अब जाके पहुंची हूँ। सो इसी के साथ ही मैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल